फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास ने इसराइल पर करीब 7,000 रॉकेट दागे हैं। फिर हमास के लड़ाकों ने इसराइल के रिहायशी इलाकों में जमकर खून खराबा किया। कम से कम 900 लोगों की मौत हो गई है। कई नागरिक अभी भी हमास के कब्जे में हैं। हमले के बाद से ही इसराइल ने ऐलान जंग कर रखी है। इसराइल की जवाबी कार्रवाई में सैकड़ों फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर है। इस लड़ाई को लेकर दुनिया भर के देशों ने प्रतिक्रियाएं दी है। अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों ने इसराइल का समर्थन किया है। वहीं इस्लामिक देश फिलिस्तीन की मदद के लिए भी कई देश आगे आ रहे हैं। लेकिन इसराइल और हमास के बीच जारी जंग से सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान काफी टेंशन में है। सऊदी अरब को इस्लामिक दुनिया का लीडर माना जाता है। ऐसे में हमास और इसराइल की जंग को लेकर भी सऊदी में सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिल रही है। हमास और इसराइल के बीच जारी जंग को लेकर सऊदी अरब ने 57 मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोऑपरेशन यानी OIC की आपात बैठक बुलाने की मांग की है। इसके अलावा सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने फिलिस्तीन, जॉर्डन और मिस्र के राष्ट्रपति समेत अन्य प्रमुख लोगों से भी फोन पर बात की है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मंगलवार को ब्रिटेन और कनाडा के विदेश मंत्री ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैजल बिन फरहान से पूरे घटनाक्रम पर बात की है। क्यों परेशान है सऊदी अरब? बीते कुछ सालों में बहरीन, सूडान, UAE जैसे कई अरब देशों के साथ इसराइल के संबंध कायम हुए थे। अमेरिका की मध्यस्थता में इसराइल और सऊदी अरब के संबंधों में भी नरमी के संकेत देखने को मिले थे। सऊदी अरब हमेशा से फिलिस्तीन और उसके लोगों का समर्थन करता आया है। कहा जा रहा है कि इसराइल पर हमास ने ऐसे वक्त में हमला कर सऊदी और इसराइल के रिश्ते सामान्य करने की कोशिशों पर पानी फेर दिया है। ईरान ने भी बढ़ाई परेशानी। इस्लामिक देशों के भीतर इस्लामिक दुनिया के नेतृत्व को लेकर भी खींचतान रही है। इसराइल के हमले से पहले ही सऊदी अरब का धूर विरोधी ईरान मुखर होकर फिलिस्तीनियों के लिए बोल रहा है। ईरान फिलिस्तीनियों के अधिकार की वकालत करने में खुद को सऊदी अरब से आगे दिखाना चाहता है। ऐसे में सऊदी अरब अगर हमास का खुलकर समर्थन करता है तो वेस्ट के साथ उसके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। सऊदी और हमास के रिश्ते। सऊदी अरब और हमास के रिश्ते भी उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। 1980 के दशक में हमास के बनने के बाद से ही सऊदी अरब के साथ सालों तक उसके अच्छे संबंध रहे। लेकिन 2011 में अरब स्प्रिंग के दौरान सऊदी अरब का जो रुख मिस्र को लेकर रहा वो हमास को रास नहीं आया। सऊदी अरब मिस्र में चुनी हुई सरकार का विरोध कर रहा था। ऐसे में हमास की ईरान से करीबी बढ़ने लगी। इसके बाद 2019 में सऊदी अरब में हमास के कई समर्थकों को गिरफ्तार किया गया था। इसे लेकर सऊदी अरब की निंदा करते हुए हमास ने अपने समर्थकों को प्रताड़ित किए जाने का भी आरोप लगाया था।